जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आई है। नए वोटर्स को जोड़ने वाले आदेश पर चल रहे विवादों के बीच अब ये फैसला वापस लेने की खबर आई है। डिप्टी कमिश्नर ने 24 घंटे में आदेश वापस लिया। राजनीतिक पार्टियां इस पर जमकर विरोध कर रही थी। जम्मू में एक साल से रह रहे लोगों को मतदाता बनाने वाला फैसला वापस ले लिया गया है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बुधवार रात को जम्मू की डिप्टी कमिश्नर ने इस नोटिफिकेशन को वापस लिया, जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू के एक साल से ज्यादा रहने वाले लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारी विरोध के बाद ये फैसला वापस लिया गया है। केंद्रीय प्रशासित प्रदेश की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस फैसले का विरोध कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भाजपा चुनावों से डरती है, वो जानती है कि वो बुरी तरह से हारेगी। इस कारण जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर स्थानीय मतदाताओं को जोड़ने की अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर के मतदाता के वोट का मूल्य खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं भी ये कानून लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि वोटिंग अधिकार जैसी चीजों का रास्ता साफ करने के लिए ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। ये डोगरा संस्कृति, पहचान, रोजगार और व्यवसाय को बर्बाद कर देगा। उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुल, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा।